अब लास्ट में जो राम आएगा उसको कैसे प्ले करना है? क्या किया? अब इसको हम रिदम के साथ सीखेंगे। रिदम इसमें हम रखेंगे, दोस्तों आज हम गांधी जयंती पर सीखने वाले हैं स्पेशल भजन रघुपति राघव राजा राम, जिसे हम बहुत ही आसानी से स्टेप बाय स्टेप नोटेशन के साथ सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं आपका मनपसंद चैनल सीखो सरल। तो इस प्यारे से भजन को हम सीखेंगे मिडिल ऑक्टिव के सी शार्प से। ये जो टोन सुनी आपने, ये मैंने हारमोनियम की टोन रखी है। जो लोग इस भजन को हारमोनियम के नोटेशन के साथ सीखना चाहते हैं, उनके लिए मैंने हारमोनियम पर भी बनाया हुआ है और वो वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे हारमोनियम के नए चैनल सीखो सरल हारमोनियम पर। तो चलिए शुरू करते हैं। जितना सुंदर ये भजन है उतना ही सरल भी है, बहुत ही आसान है इसको बजाना। सिर्फ दो लाइन सीख लेने से आप पूरा भजन सीख जाएंगे। तो जो पहली लाइन है, पहले मैं उसको आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप नोटेशन के साथ आपको सिखाता चलूँगा। तो देखिए पहले मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ किस तरह से प्ले होती है। प्ले होगी जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, सी शार्प से। देखिए तो सबसे पहले रघुपति राघव राजा राम, पहले इतना सीखेंगे। सबसे पहले रघुपति, रघुपति के लिए चार बार सी शार्प प्ले करेंगे रघुपति। अब राघव, राघव के लिए सी शार्प और बी और ए शार्प। बी और ए शार्प कौन सा है? यह है लोअर ऑक्टेव का, बी और ए शार्प। ठीक है, तो राघव। अब राजा, राजा के लिए बी और डी शार्प, राजा। अब राम, राम को ध्यान से देखिएगा, ये चीज क्या किया? डी शार्प, एफ शार्प, फिर एफ, फिर एफ शार्प। कैसे? इस तरीके से। तो इतना एक बार सिंगल फिंगर से देखेंगे, कंटिन्यू। रघुपति राघव राजा राम। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपके ये जो लाइक्स हैं ना, ये हमारी मेहनत को भी सफल बनाते हैं और हमारे चेहरे पर स्माइल भी लाते हैं। तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक सीखो सरल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लें, ताकि ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो अपलोड होते ही आप तक तुरंत पहुँचे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद है पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम, तो ये हम प्ले करेंगे डी शार्प से। और कॉर्ड लगा देंगे सी शार्प माइनर, सी शार्प, ई, जी शार्प, सी शार्प माइनर। गा यहां पर कोमल इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए सी शार्प माइनर। अब इसे नोटेशन के साथ देखिए, पतित, अब पावन, बी और ए शार्प, ये लोअर ऑक्टेव वाले ध्यान रखिएगा। इसके बाद सीता, अब राम, राम को बहुत प्रेम से लास्ट में जो राम प्ले होगा ऐसे, तो इसे भी एक बार सिंगल फिंगर से कंटिन्यू। पतित पावन सीता राम। ठीक है, आप इसके बाद लाइन है सीताराम सीताराम, इस तरीके से। और हम इसे प्ले करेंगे एफ नोट से। देखिए इस तरीके से क्या किया? सीता, अब राम, अब इसके बाद फिर से सीताराम, ये अलग हो जाएगा। तो पहले वाला सीताराम,
अब इसके बाद सीताराम, ठीक। अब इसके बाद लाइन है भज प्यारे तू सीताराम, और ये स्टार्ट हम करेंगे डी शार्प से। देखिए, तो क्या किया हमने, सबसे पहले भज प्यारे तू, तू में ध्यान रखिएगा ए और जी शार्प, तू ऐसे। अब सीता राम, राम को बहुत ही सॉफ्ट तरीके से बजाइएगा ऐसे, तभी मजा आएगा, ठीक है। तो भज प्यारे तू सीता राम, एक बार सिंगल फिंगर से कंटिन्यू। ठीक है, तो इतना हमने सीख लिया, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। तो ये पूरा का पूरा पार्ट एक बार हम कंटिन्यू प्ले करेंगे। देखिए, ठीक है। अब इसके बाद जो लाइन है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, तो ये बिल्कुल वैसे ही प्ले करेंगे जैसे इससे पहले हमने सीखी थी, सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम, सेम टू सेम है। देखिए, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, एफ नोट से, सेम कैसे, सीताराम सीताराम, बिल्कुल वैसे ही। देखिए, देखिए बिल्कुल सेम टू सेम वही था, ईश्वर इसके बाद अल्लाह इसके बाद तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ठीक है। इसके बाद सबको सन्मति दे भगवान, तो ये वैसे ही लाइन है जैसे हमने प्ले करी थी, भज प्यारे तू सीताराम, सेम टू सेम वही है, सबको सन्मति दे भगवान। और कॉर्ड लगा देंगे वही सी शार्प माइनर, तो ये भी सेम टू सेम वही थी, सबको सन्मति दे भगवान, कॉर्ड लग जाएगी सी शार्प ई और जी शार्प, सी शार्प माइनर। तो जिस तरीके से ये वाली लाइन रिपीट थी, बस लाइन के बोल चेंज थे, इसी तरीके से जो भी आगे लाइनें आएंगी उनके बोल चेंज होंगे, मगर बजेगी वैसे ही जैसे कि हम सीख चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सिर्फ दो लाइन आपको सीखनी है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, और दूसरी सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। तो इन्हीं दोनों लाइनों की तरह आगे जो भी पैराग्राफ आएगा, जो भी पंक्तियाँ आएंगी, वो सब की सब बिल्कुल ऐसे ही प्ले होंगी, ठीक है। चलिए, अब हम इसे बजाएंगे रिदम के साथ। तो रिदम इसमें हम रखेंगे कहरवा की रिदम रखेंगे, और जो टेम्पो रखेंगे, जो स्पीड रखेंगे, वो रखेंगे हम 90 की, ठीक है। हर वीडियो की तरह मेरा ये वीडियो भी आप लोग को बहुत पसंद आया होगा, और साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को लाइक तो पहले ही कर दिया होगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे आपकी अगली फरमाइश के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।